प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। ऐसे महामंत्र जिनका जाप करने वाला सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, वो महामंत्र जिनका जाप करने वालों को किसी भी संकट का डर नहीं होता। इन मंत्रों के जाप से जिंदगी मानो बदल सी जाती है। चलिए अब आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनको रामबाण मंत्र कहा जाता है। हम आपको रामचरितमानस के कुछ खास अचूक मंत्रों के बारे में बताते हैं जिनको मानस में मंत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ कैसे किया जाता है। रामचरितमानस की अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, अपने आप में पूरा तंत्र है। व्यक्ति जानकार हो तो किसी भी रामचरितमानस के जितने भी बीच में दोहे आते जाते हैं तो जो आपकी मन कामना है उसका संपुट बोलते हैं। संपुट का अभिप्राय यह है कि जो हम इस रामचरितमानस की चौपाइयों का लाभ है वो विशेष लाभ के साथ में हम लेना चाह रहे हैं। तो उसमें जब कोई भी एक प्रसंग पूरा हो, एक जैसे ही दोहा आए तो दोहे के साथ में अपना संपुट भी लगाता जाएगा, तो उससे आपको रामचरितमानस के साथ साथ मन कामना, इच्छित कामना भी पूर्ण उसके साथ होती चली जाएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। राम दरबार की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं या तुलसी दल तो जरूर अर्पित करें। तुलसी की माला से दोहे या चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार, रविवार या नवमी तिथि को कर सकते हैं। से दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुकदमे में आपके खिलाफ बहुत कुछ हो गया, आपके शत्रु अति प्रबल हो गए, या आपके परिवारजन कोई रोगी है, ऑपरेशन थिएटर में बैठा है, इधर रामचरितमानस का या सुंदरकांड का कोई पाठ लेके बैठ जाइए और ये लगा लीजिए। आप उसके साथ संपुट हर दोहे के साथ ये लगाइए। और अधिक आवृत्ति चाहते हैं तो हर 5 चौपाई या 1 चौपाई के बाद ये लगाते जाइए ये चौपाई। निश्चित आपका जो भी संकट आया हुआ है वो भगवान राम हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और वो कष्ट दूर हो जाएगा। ये कुछ वो तरीके हैं जिसके बाद रामचरितमानस के मंत्रों का जाप किया जाता है। चलिए अब आपको अलग अलग मंत्रों की महिमा के बारे में बताते हैं। मानस के मंत्र रोजगार की प्राप्ति के लिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संकट खत्म करने के लिए जपही नाम जन आरत भारी, मिटाई कुसंकट होई सुखारी। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विवाह के लिए सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। रोग नाश के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। ये कुछ वो मंत्र हैं जिनका जाप आपको तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप भी अपने कमजोर और खराब ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।